इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कि हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की है, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, क्योंकि हमें जो है वो बार बार तंग किया जा रहा था और हम दहशतगर्दी से अफेक्ट हो रहे थे। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। मोदी इस वक्त यजीदे वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है। नरेंद्र मोदी, आज तुम तमाम जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो, क्योंकि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। पता नहीं क्या करेंगे, ये बस सुनते ही हैं, बातें सुने आप। इंडिया के खिलाफ नफरत और कश्मीर के जज्बे में बस आवाम को लगा, टके के बंदे नहीं, अब टका 5 रुपए का है और बातें करते हैं, बातें कर लें जी, हम पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे, क्या करोगे? एटम बम चला देंगे। तो घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, तुम पाकिस्तान के लिए क्या करोगे? आजादी कुर्बानी मांगती है, आजादी लहू मांगती है, और हमने हासिल की है आजादी। इस कौम ने मौत को गले लगा कर ही पाकिस्तान बनाया था, भूल गए हो नरेंद्र मोदी? ये कौम मौत से नहीं डरती। आप जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है। आई रिमेम्बर 35 साल से इन्होंने एक अप्रोच थी कि 1000 कट्स के साथ इंडिया को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासतौर से इस वीडियो के अंदर जो फिजा खान का रिएक्शन है। जी हाँ, वही पाकिस्तानी न्यूज एंकर जो कि काफ़ी बड़बोली हैं, लेकिन बातें हमेशा मॉरेलिटी की, सच बोलने की बातें करेंगी। और इंडिया और मोदी जी का नाम आने पे ही फिजा खान के अंदर एक अलग सही जोश आ जाता है। लेकिन बात करें सच बोलने की, जो कि हमेशा फिजा खान पहले भी करती हैं, तो यह कितना सच और प्रोपेगेंडा करती हैं आपको इसी बात से अंदाज़ा लग जाएगा अगर आप फिजा खान की लगातार वीडियोज देखते रहते होंगे। आपको याद है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, किस कदर फिजा खान अपने हर शोज में इमरान खान की बड़ाइयाँ भर भर करती थी, तो वहीं पे उस समय की अपोजिशन पार्टी शहबाज शरीफ को एक तरीके से लानत भेजती थी। लेकिन आज अगर अभी देखें फिजा खान को, जब इमरान खान जेल में है और शहबाज शरीफ PM बने हुए, तो यही फिजा खान उसी इमरान खान को पाकिस्तान तोड़ने वाला, पाकिस्तान के अंदर राइड करवाने वाला और बहुत सारी खरी खोटी इमरान खान को आजकल सुनाती है। लेकिन शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस समय गुनगाई जा रही है। इससे पता लगता है कि जो फिजा खान इस तरह से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी फौज के दबाव में अपने रंग बदलती है। वो मोदी साहब ने 15 अगस्त को पाकिस्तान को फिर पैगाम दिया है कि हमने 2016 में स्ट्राइक की थी, 2019 में स्ट्राइक की है, अब देखो वो ठीक हो गए हैं। तार साहब, पाकिस्तान की तरफ से क्यों जवाब नहीं आता? इतना पिन ड्रॉप साइलेंस, जीरे दफा हमारा टीवी पे बैठ के पुरानी बातें कर रहा है और उधर से मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान को धमकी पे धमकी दे रहे हैं। वैसे धमकी उनकी बनती भी इस तरह थी कि अभी रिसेंटली अटैक कश्मीर के अंदर बढ़े, कश्मीर के अंदर मुसलसल ऑपरेशन तो जारी है, ये पटाखे तो चला रहे हैं, पता नहीं वो कौन चला रहा है, डिनाई भी नहीं करते इस साइड से, जवाब ये दे देते। जवाब तो सबसे बड़ी बात है, जवाब तो वो लोग देते हैं जो जिंदा हो। चीमा साहब, आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द पर होगा, जिसकी लपेट में हर मुल्क आएगा, क्योंकि मोदी इस वक्त यजीदे वक्त बन चुका है, शद्दाद बन चुका है, उसका खात्मा इंसानियत की यकीन जानिए बका है। मकबूजा कश्मीर क्या मैं पाकिस्तान के बाद से आज़ादी के लिए जिदोजहद कर रहा है? मकबूजा कश्मीर क्या मैं पाकिस्तान के बाद से अपनी बका की जंग लड़ रहा है? और इस बका की जंग में अब तक हजारों निहत्ते कश्मीरियों का खून बह चुका है। नरेंद्र मोदी, आज तुम तमाम जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो, क्योंकि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह। ये फैसला अटल है, ये फैसला लिखा जा चुका है। आजादी कुर्बानी मांगती है, आजादी लहू मांगती है, और हमने हासिल की आजादी जिंदगियां देकर। इस कौम ने मौत को गले लगा कर ही पाकिस्तान बनाया था, भूल गए हो नरेंद्र मोदी? इस कौम को मौत से डर नहीं लगता, ये कौम मौत से नहीं डरती। पाकिस्तान में मौजूद हर पाकिस्तानी अपने मुल्क का दिफा करना भी जानता है और दुश्मन को नेस्तो नाबूद करना बखूबी जानता है। मोदी, आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान तुमसे पूछती हूँ, कैसे कब तक चलेगा कश्मीर के साथ? अब ऐसे नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हुआ ये है कि 77 ईयर्स में पाकिस्तान ने ये नहीं समझा कि क्या ठीक है क्या गलत है।
आई रिमेम्बर 35 साल से इन्होंने एक अप्रोच थी कि 1000 कट्स के साथ इंडिया को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब साइंस का इस मामले में साइंस क्या कहती है कि आप बेटरमेंट अगर करनी है तो उसके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। वो जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, अगर आप देखते हो ये एक सक्सेसफुल नहीं एक्सपेरिमेंट होता तो आप नए एविडेंस के साथ नए आइडियाज लाते हैं कि ये शायद ये काम कर जाए। अब आप देखो 35 ईयर से बार बार वही होता जा रहा है जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता यार। एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान ने अपना अप्रोच को बदला नहीं। आप देखें कभी भी जो जो कंट्रियों के पास साइंस है, नॉलेज है, जो बिजनेस करते हैं वो खुशहाल भी वही हैं, हैप्पी हैं बहुत ज्यादा। कोई फैमिली में सिकनेस है उसका सलूशन क्या है? मेजोरिटी में तो पैसे के साथ ही होता है ना। लोग अक्सर कहते हैं मनी कैन नॉट मेक यू हैप्पी। कितने लोग हैं जो मनी के साथ अनहैप्पी होते? कभी ये भी डाटा तो बाहर आए ना? नहीं आता। एक दो आदमी किसी को देख लिया, बड़ा रिच आदमी है, उसकी वाइफ डिवोर्स करके इसको चली गई, मगर ये नहीं देखते मिलियंस एंड मिलियंस जिनको जो फाइनेंशियली कितना सफर करते हैं, और उनको अगर तुम फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो तो कितनी खुशी मिलेगी उनकी लाइफ में, सारा कुछ बदल जाता है उनके लिए। मेरी एक और आर्ग्यूमेंट है पॉलिटिकल। हिंदुस्तान ने अपनी आजादी 40-50 साल की स्ट्रगल, जेलें, डंडे खाना, काला पानी जाना, उसके हवाले से इन्होंने हासिल की है, तो इनको अपनी आजादी के लिए जो वैल्यू वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को तो जाते जाते अंग्रेजों ने नवाज दिया, इसलिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हम उनके साथी हो गए, कांग्रेस उनके साथी नहीं बने। इंडिया सोशलिज्म बिल्ड करता रहा, लेकिन उस दौरान में वर्ल्ड बैंक ने, अमेरिकन्स ने पाकिस्तान को फाइनेंस किया कि आप अपनी लाइट इंडस्ट्री से शुरू करें, हैवी इंडस्ट्री नहीं उन्होंने इनकरेज की, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हमारे से जहाज भी लो, ये भी लो, सारा कुछ लो, हम देंगे जरूर लेकिन अपनी कंडीशंस पे। 60s में पाकिस्तान की इंडस्ट्री लगी भी, लाइट इंडस्ट्री, हमने पंगा 65 की जंग करके इंडिया से, तो जो वो एक प्रोग्रेस हो रही थी उसको भी रोक दिया। तो जब आप इफ़ यू कीप ऑन शूटिंग इन योर ओन फुट, तो इंडिया को हज़ार आप वो कट्स चाहे दे लें लेकिन ब्लीड तो पाकिस्तान ने किया है ना। लेकिन इंडिया ने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए अपनी हैवी इंडस्ट्री पे टाइम लगाया, और उसका फ्रूट जो है वो फिर इंडियन जो है ना, जब इकोनॉमी खुली है तो वो कम्पीट करने के काबिल थे, बिकॉज इनके पास अपनी टेक्नोलॉजिकल बेस थी, इंजीनियर थे, ये सारी चीज़ें एक के साथ मिलती गई। हमने पाकिस्तान तो बना लिया, बाद में पता नहीं कि ये किस लिए बनाया था। कोई कहता है कि इस्लाम के लिए, कोई कहता है कि नहीं जी मुसलमानों की बैकवर्डनेस के लिए।